आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। अगर आप लोगों को वोकैबलरी पढ़ना है ना, खुद से पढ़ना है, जैसे एक होता है कि हम किसी टीचर के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं और एक होता है कि खुद से पढ़ना है, तो मैं अपने वोकैबलरी पढ़ने का तरीका बताता हूँ आपको 2 मिनट में कि मेरा वोकैबलरी पढ़ने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि मुझे इन 2 शब्दों का मतलब नहीं पता है, मैं बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करूँगा, बहुत कम भी मेहनत नहीं करूँगा, टू द पॉइंट, मतलब जो मेरी पूरी की पूरी, मुझे इस चीज़ को खोजने में, पता करने में काफ़ी समय लग गया था, ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो है मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। कभी भी अगर वोकैब पढ़ना हो, समझना हो, और दोस्तों से नहीं समझ में आ रहा है, किसी किताब से समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे मतलब होते हैं जो हमें बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं, तो 2 डिक्शनरी देखो, ये आप अपने मोबाइल में फ्री में डाउनलोड करके रख सकते हो, कोई पेड वर्जन नहीं है, और ना मैं यहाँ पर किसी उसका प्रमोशन कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो चीज़ मैं बताता हूँ बच्चों को जो जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरियाम वेबस्टर करके एक डिक्शनरी है, मेरियाम वेबस्टर करके, ठीक है, हमेशा वो चीज़ आप लोग को बताइए जिससे आपका फ़ायदा हुआ है। तो एक आपका ये डिक्शनरी है, ये बहुत ही प्यारी डिक्शनरी है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेके, यहाँ पे मेरियाम वेबस्टर। अब मेरियाम वेबस्टर में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ किसी भी वर्ड को सर्च करोगे ना, बड़ा प्यारा उसका मीनिंग आता है और उसके साइनो एंट्रो भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने यहाँ पर डोंट शब्द सर्च किया, सिर्फ और सिर्फ डोंट मैंने सर्च किया, मुझे डोंटलेस से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें थी, कुछ बच्चे यहाँ निडर बता रहे थे और कुछ यहाँ डराना बता रहे थे। अब मुझे भी पता है यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन आप लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि निडर सही है या डराना सही है, जबकि दोनों के अलग अलग मतलब है। डराना का मतलब धमका रहे हैं किसी को, ऐसा निधर अचल भाग यहाँ से, तो वो डराना हो गया मेरे भाई। निडर का मतलब आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी इनफ यार, मतलब कहीं भी लड़ा लो, किसी से भी जो है बात करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जाने को कोई भी तैयार है। तो यहां पर क्या है, अब डोंट शब्द है। अब डोंट सबसे पहले क्या, एक वर्ब है, बड़ा तरीके से बता रखा है, इसका मतलब क्या होता है, टू लेसन द करेज ऑफ, ठीक है। सबड्यू बहुत अच्छा वर्ड है, सबड्यू भी जो है आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, एक तरीके से। यहाँ पर ऑब्स्टेकल दैट वुड हैव डॉन्टेड अ मैन ऑफ लेस इंटरप्रेट, अब थोड़ा आपको हो सकता है कम समझ में आया हो, उसका हिंदी भी वर्जन यहाँ पर इसमें दिया गया होता है। एक मिनट यहाँ पे, अब एक मिनट मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को पूरी कहानी समझ में नहीं आई कि यार यहाँ पर है ना डोंट का मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे तुम जाओगे, इसके कई सारे एग्जांपल दिए होते हैं, वहाँ से समझा दिया जाता है, और ये एक से एक प्यारे प्यारे मेरे भाई, ये कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके पेपर में नहीं आया। डिस में ये डोंट का सिनोनिम है, आया है पेपर में। अपॉल डोंट का सिनोनिम है, आया है। हॉरिफाई आया है डिस में, पूरा पूरा। अब एक एक के ऊपर यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सेंटेंस भी बना रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे येट इवन द मोस्ट स्टैंड आउट एम्प्लॉयज इन एनी इंडस्ट्री कैन बी डॉन्टेड बाई टेकिंग सैलरी। अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि कोई भी संस्थान का कोई भी एम्प्लॉय होना, उसको उसकी सैलरी लेकर धमकाया जा सकता है, उसकी सैलरी रोक कर धमकाया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है। तो डोंट का मतलब क्या हो गया, धमकाना, डराना, समझ गए मेरी बात को। अब इस वर्ड्स को मैंने कैसे याद किया था यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो उसके नाम पर हम क्या करते हैं, डराते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, यार है ना तुम इस चीज़ को मत लगाओ, जैसे मानो ये लोशन है सपोज करो, अब अगर ये एक्सपायर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये लोशन को तुम मत लगाओ, ये तुम्हें नुकसान कर सकता है, दिस मे हार्म यू। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, दिस मे, दिस मे का मतलब क्या हो गया, शायद ये तुम्हें नुकसान कर सकता है, मतलब हार्म कर सकता है। अपॉल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारी मोनू है, ठीक है, हमारा मोनू है, और हमारा मोनू की प्यारी सी जो है एक वाइफ है, ठीक है, शादी होने के बाद लड़के की सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है। अब मोनू का क्या हरकत है कि हर बार वो अपनी वाइफ को डरा रहा होता है, ठीक है, शांत से रह लो, सरकारी नौकरी है हमारी, ज़्यादा पटर पटर की तो घर छोड़ कर चले आएंगे, ठीक है। तो उसकी वाइफ उसको एक दिन क्या बोलती है, आप पल पल मुझे डराते हैं, आप पल पल मुझे धमकाते हैं। तो अपॉल का मतलब मेरे भाई क्या हो जाता है कि आप पल पल मुझे क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और डॉन तो याद ही कर सकते हो, डॉन हमेशा क्या करता है, डॉन करता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है मेरियाम वेबस्टर का, आप लोग बहुत फ़ायदा उठाया करो। ऐसे और भी काफ़ी सारे डिक्शनरी है, जैसे थेसोरस भी हो गया, और भी काफ़ी सारा हो गया, बट मेरियाम वेबस्टर में बहुत एग्जैक्ट सिनोनिम भी दिए गए होते हैं और एक तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल भी दिए गए होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, पढ़ाई किया करो उससे, ठीक है। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पर शेयर भी किया करो।